अखिल भारतीय छत्री महासभा ने महाराणा प्रताप चौक पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती कोरोना काल में प्रतीक रूप से मनाई। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, दिलीप सिंह शेखावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, अखिल भारतीय छत्री महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर भैरू सिंह चौहान, महिला प्रदेश अध्यक्ष हेमलता तोमर, प्रदेश संगठन मंत्री यशपाल सिसोदिया, जिला अध्यक्ष जीवन सिंह तंवर, जिला संगठन मंत्री गजराज सिंह पंवार, नगर महामंत्री बजरंग सिंह चौहान, युवा नगर अध्यक्ष दीपेश गौतम, नगर उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, नगर मंत्री भूपेंद्र सिंह राणावत, गोपाल सिंह पंवार के साथ ही समाज जन उपस्थित थे। इस अवसर पर ठाकुर भैरव सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में प्रतिमा स्थापित करवाने वाले वरिष्ठ समाज जनों का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रतिमा अनावरण का अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाम की पट्टी का भी लगाई जाएगी। सभी वरिष्ठ जनों ने भी अपने संबोधन में महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि हमें महापुरुषों के आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। राणावत साहब का स्वागत करें, आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब का स्वागत करें, आदरणीय पूर्व विधायक हमारे दिलीप सिंह जी शेखावत साहब का और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भैरू सिंह चौहान साहब का स्वागत। आज के महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे बीच उपस्थित हुए सम्मानीय मालवा क्षेत्र के गौरावर छत्री महासभा के संरक्षक सम्मानीय लाल सिंह राणावत साहब, सम्मानीय केंद्रीय पूर्व मंत्री सम्मानीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय युवा नेता भाई दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री सम्मानीय यशपाल सिंह जी साहब, जिला अध्यक्ष जीवन सिंह जी साहब और हमारे क्षेत्र में निरंतर हर क्षेत्र में सक्रियता से काम करने वाली बहन हेमलता जी तोमर, गजराज सिंह जी साहब, युवा अध्यक्ष दीपेश जी, राजेश जी, भूपेंद्र सिंह साहब, बजरंग सिंह साहब, आज सभी का मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के सहयोग से जो महाराणा प्रताप जयंती का आज ये आयोजन हुआ। निरंतर हम 20 वर्षों से नागदा नगर के अखिल नगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से भव्य पैमाने पर महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन करते आए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसी विडंबना हुई है कोरोना महामारी की कि हम 2 साल से बड़े पैमाने पर महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मना पाए हैं। निश्चित ही ईश्वर अगली बार सभी को स्वस्थ रखेगा और हम बड़े पैमाने पर यहाँ पर भव्य आयोजन करेंगे। निश्चित ही मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि जिस तरीके से महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से हमने निरंतर 20 सालों से प्रयास किया है और उस प्रयास के अंदर सार्थकता प्रदान करने के अंदर हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जो सहयोग किया है और उसी का ये परिणाम है कि आज यहाँ पर भव्य मूर्ति स्थापित हुई है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब भी मूर्ति का अनावरण हो, नाम पट्टिका के अंदर तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम हो और क्षत्रिय महासभा के तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने संकल्प को पूरा करने के लिए मांग उठाई थी और उसके लिए
उनकी भी एक नाम पट्टिका यहाँ पर स्थापित करवाने के अंदर आप लोग सहयोग करें। पुनः महाराणा प्रताप जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। क्षेत्रीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय धर्म सिंह साहब, महिला मोर्चे की प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय हेमलता जी आज के कार्यक्रम में पधारे। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा और मजदूरों के हितों में पूरा जीवन में समर्पित कार्य किया ऐसे आदरणीय सुल्तान सिंह साहब, हमारे क्षेत्र के जिन्होंने अथक प्रयास इस मूर्ति को लेकर लगातार 20 सालों तक अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने जो लड़ाई लड़ी उसमें सबने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और अंत में क्षेत्रीय महासभा आदरणीय दिलीप जी सुल्तान सिंह साहब सबके अथक प्रयास से आज यह मूर्ति की स्थापना हो चुकी है और बहुत जल्दी भव्य रूप में अनावरण करने का भी प्रयास हम सब करेंगे। आज महाराणा प्रताप की जयंती, जिनको इस देश में दिव्या सूरज की उपाधि किसी भी राजा महाराजा देश में बहुत हुए, लेकिन एक ही ऐसे राजा थे जिनको हिंदिया सूरज की उपाधि थी, ऐसे महाराणा प्रताप की आज जयंती है। सर्वप्रथम मैं मेरा परिवार उनके चरणों में सत वंदन करता हूँ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास कि हम सब क्षत्रिय समाज के लोग उनके बताए गए आदर्शों और उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलते हुए हम निश्चित समाज के उत्थान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। समाज के साथ सब जनमानस की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे, इस संकल्प के साथ पुनः उनकी जयंती मनाते हैं और आज आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में और इसकी इस मूर्ति के अनावरण में और भव्यता क्या हो सकती है वो करने का प्रयास भी करेंगे। आज के अवसर पर पुनः आप सब पधारे में हृदय से आपका सुस्त अभिवादन, धन्यवाद। श्री शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है। मैं महाराणा प्रताप जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप और हम सबको पता है कि आज़ादी के कुल दीपक श्री शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती नागदा में संपूर्ण राजपूत समाज, और मैं ये कहूँगा कि केवल राजपूत समाज नहीं, समाज का हर व्यक्ति बहुत धूमधाम से मनाता है। 2020 में भी कोरोना था, अभी भी कोरोना का महामारी का प्रकोप है और उसके कारण एक संक्षिप्त स्वरूप इसको दिया है। इसलिए हाँ, आज आप और हम सब लोग इस कार्यक्रम में माननीय लाल सिंह जी राणावत साहब, माननीय सुल्तान सिंह जी, माननीय भीरू सिंह जी, हेमलता जी, गजराज सिंह जी, आदरणीय यशपाल जी, भूपेन जी, आदरणीय बजरंग सिंह जी, हमारे युवा अध्यक्ष गौतम भाई, हम सब लोग यहाँ पर हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की ये जो मूर्ति का अनावरण है ये भव्य हो, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि इस राष्ट्र में आज़ादी का, अगर मैं ये कहूँ कि कुल दीपक है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और संपूर्ण समाज को इन्होंने प्रेरणा दी है और इसलिए एक बार फिर मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के श्री चरणों में श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आज कोरोना होने के कारण हम प्रतीक रूप में यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि संख्या का ध्यान कोरोना के कारण रखना था, इसलिए प्रतीक रूप में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इसके साथ ही साथ आज संपूर्ण देश ही नहीं विश्व भर में जहाँ हमारे हिंदू प्रेमी लोग रहते हैं, जहाँ क्षत्रिय रहते हैं, वहाँ सब जगह आज महाराणा प्रताप की जयंती विभिन्न प्रकार से मनाई जा रही है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय लाल सिंह जी ने, भैरू सिंह जी ने बताया कि इसको भव्य बनाने के संबंध में ये जितना क्षेत्रफल इसका लिया गया है इसको और कैसे विस्तारित अच्छा किया सकता है। माननीय भैरू सिंह जी से और सभी से आग्रह करते हैं कि कहीं का अच्छा चित्र मिल जाए आपको, चाहे चित्तौड़ का, इंदौर का, कहीं का भी, जहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हो वैसा स्वरूप हम भी यहाँ पर प्रशासन से बात करके, और अभी चूंकि काम चल रहा है इसलिए हो सकता है तो उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक इस मूर्ति को लगाने के संबंध में जो लंबा संघर्ष है वो आप सबको भली भांति विदित है, ये जब कभी अवसर आएगा तब इस संबंध में बात करेंगे।
मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के बताए हुए पद चिन्हों पर, मार्गदर्शन पर उनका जो लिखा हुआ आज इतिहास में तोड़ मरोड़ के जो लिखा हुआ है उसको भी सुधार हो रहा है धीरे धीरे, पर जितना भी है उसको अध्ययन में कहीं ना कहीं वो शामिल हो और अध्ययन में ज़्यादा ठीक प्रकार से, जैसे अभी भारत सरकार ने शिक्षा नीति में परिवर्तन किया उसमें भी वीर महापुरुषों के नामों का उल्लेख किया गया है, और भी हम बेहतर कैसे करा सकते हैं हमारी राज्य सरकार में भी, इसका हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे और पुनः महाराणा प्रताप जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।